दोस्तों, हमारे धर्म में अग्नि में भौतिक द्रव्य को समर्पित करने को यज्ञ, अग्निहोत्र या हवन कहते हैं। पर शायद आपको नहीं पता होगा कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत अलग हैं। यज्ञ कई ऋषि मुनि द्वारा विश्व कल्याण और शांति के लिए किया जाता है और ये सामाजिक होता है, न कि व्यक्तिगत। इसीलिए प्राचीन काल में भी राज्य की प्रजा की सुख और समृद्धि के लिए यज्ञ किया जाता था। वहीं अगर आप अग्निहोत्र को देखें तो ये भी एक तरह की उपासना ही है, जिसे प्रातः काल और सायंकाल में पूजा के समय किया जाता था। ये यज्ञ का ही एक छोटा स्वरूप है जो पूजा के अंतर्गत आता था और इसका उद्देश्य सामाजिक ना होकर व्यक्तिगत होता है। अब वैदिक काल में मुख्यतः यज्ञ और अग्निहोत्र ही हुआ करते थे, जो मौर्य काल के आते आते समाप्त हो गए। लेकिन मौर्य काल के पश्चात इनका दोबारा प्रचलन शुरू हुआ और इस बार ऋषि और राजाओं के साथ साथ गृहस्थ आश्रम के लोग भी इसे करने लगे। सभी गृहस्थ किसी भी कार्य के प्रारंभ में एक छोटा सा यज्ञ करवाते थे, जिससे उनका कार्य बिना किसी बाधा के सम्पन्न हो जाए। इसे ही आज के समय में हवन कहा जाता है और ये भी पूर्णतया व्यक्तिगत होता है। अग्निहोत्र यज्ञ में आपको दिन में घर में दो बार आहुतियां देनी होती हैं, सुबह और शाम को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, और सिर्फ तीन ही आहुतियां देनी होती हैं। लेकिन आहुतियों का फिक्स एक टाइम होता है जिसकी किताब आपको मिलेगी। उस फिक्स समय पर आहुतियां देने का फल कई गुना बढ़ जाता है। यहां पर 1000 कुंड लगाए गए थे जिसमें सबने सिर्फ तीन तीन आहुतियाँ दी और इतनी ऑक्सीजन जनरेट होती है यज्ञ और हवन और अग्निहोत्र करने से कि आप वहाँ पर बैठ के खुद महसूस कर पाएंगे कि 5 मिनट पहले क्या माहौल था और अभी क्या है। निस्वार्थ फ्री में शक्ति स्वरूपा आदरणीय नीलनी माधव जी ने समझाया कि क्या क्या फायदे होते हैं अग्निहोत्र के। सिर्फ 250 रुपया लिया जाता है, जिसमें आपको हवन कुंड दिया जाएगा, कौन से 3 सेकंड दिन में 2 बार आपको हवन करना है उसकी जानकारी दी जाएगी और किन किन लोगों ने किया, उनको क्या क्या बेनिफिट हुआ, वो सब उसमें किताब में बताया जाता है, वो आपको दी जाती है। आपको सिर्फ आधा घंटा निकाल कर यहाँ पर आकर समझना है, जिसमें 1000 लोगों को एक साथ में समझाया जाएगा। फिर आपको वो अग्निहोत्र घर में ही करना है 3 सेकंड के लिए दिन में सिर्फ 2 बार। ऑक्सीजन की कमी से लाखों बीमारियां होती हैं और इस तरह के हवन से ऑक्सीजन जनरेट होने से लाखों बीमारियां दूर होती हैं। ओम नमः शिवाय।